गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो यार आज ना मैं बहुत ही प्यारी जगह पे खड़ी हुई हूँ जैसे कि आप सब जानते हो, और यार मुझे ना अपने प्यारे से बॉयफ्रेंड पे बेहद प्यार आ रहा है। मेरा ऐसा मन कर रहा है ना उसको यहाँ पे बिठा के ना उसको इतनी सारी कसेस करूँ कि वो भी बोले अरे बेबी बस करो मुझे खाई जाओगी क्या। तो अभी ना मैं उसको बुलाती हूँ और यार मैं उसे बहुत सारी किसेस दूंगी, देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। बेबी थैंक यू सो मच जो तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए। पता है ये ना मेरी लाइफ के वो पल चल रहे हैं जिन्हें ना मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं ये मोमेंट्स कभी भी नहीं भूल पाऊंगी जो मैं तुम्हारे साथ बता रही हूँ। मैं इसलिए ही तो तुम्हारे साथ यार यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ कि तुम मेरी हर एक चीज को ना कभी भूल ही ना पाओ यार, चाहकर भी ना भूल पाओ। अच्छा मेरी बात तो सुनो। बोलो। देखो यार वैसे तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ तो तुम जानते ही हो। हाँ है ना, पर यार आज जो मैं तुम्हें प्यार दे रही हूँ ना दिल से उसकी ना कदर करना, ठीक है। तो मैं ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार की कदर नहीं करता? तो मेरी प्यार की बहुत ही ज्यादा कदर करते हो, लेकिन आज जो मेरा प्यार है ना वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। अरे वाह यार, अब इसमें भी ना कैटेगरीज आ गई क्या? लव, एक्स्ट्रा लव, एक्सट्रीम लव, प्रीमियम लव, ऐसा कुछ तुमने बना रखा है क्या? नहीं नहीं फिर। बट आज ना मुझे तुम्हें इतना ज्यादा प्यार आ रहा है, मेरा ऐसा मन कर रहा है ना तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार कर दूं। अरे ठीक है यार करो फिर। देखो कितना प्यारा व्यू है ना यहाँ से, और उससे भी ज्यादा ना प्यारे तुम होगी पता है। यार ये तो मुझे पता था लेकिन तुम्हारे मुँह से आज सुना है तो मेरे को और ज्यादा पता चल गया कि मैं प्यारा हूँ। यू मीन्स अ लॉट इन माय लाइफ, पता है तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। सच में? सच्ची में। यार पागल वागल तो नहीं बना रही हो? पागल क्यों बनाऊंगी, पता चला यार नाइट में भी लाइटिंग अच्छी दिख रही हो, तो मीठी मीठी बातें कर रही हो, बाद में कल जाने के बाद में बोलो अबे ओए चल निकल। ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा? यार लगता तो कुछ भी नहीं है। मैं तो कभी इमेजिन ही नहीं कर सकती तुम्हारे बिना मैं रहूंगी भी कैसे। इमेजिन करना भी मत ठीक है, क्योंकि अभी इतनी खूबसूरत जगह पे लेके आया हूं और नेक्स्ट और भी बेटर हो सकती है, ऐसे इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। इमेजिन अगर करना है ना तो एक्सट्रीम लेवल को इमेजिन करना है। मुझे पता है तुम हमेशा ना बहुत सारी खुशियां देती हो जिंदगी में, तुम देते भी हो। तो अब मेरी बारी तो करो ना, मन नहीं कर रहा मुझे तो, क्योंकि प्लीज मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो यार, मेरे को शर्म आ रही है। देखो शर्म तो मुझे भी आ रही है लेकिन ऐसा मत करो। तो फिर यार मेरी बात समझो। यार क्या बात समझूं यार, दिल धड़क रहा है मेरा, वैसे नहीं धड़क रहा। अरे अभी एक्स्ट्रा धड़क रहा है। हाँ और कहीं गलती से अगर इतना धड़क गया कि मैं यहीं गिर गया फिर? इधर आओ। आ गया। मेरी धड़कन सुनाई दे रही है? तुम्हारी धड़कन तो सुनाई नहीं दे रही लेकिन हो रहा है। हाँ धीरे धीरे। सच में? आई लव यू। सच्चा वाला? बहुत ज्यादा। कितना? इतना। दे दो फिर। एक बात बोलूं? बोलो। यार मैं चाहता हूँ कि ना हम लोग काफी टाइम तक ना यहीं पे एक दूसरे के साथ बैठे और बहुत प्यारी प्यारी बातें करें। मैं भी चाहती। फिर बैठो ना यार, और तुम ऐसे ही ना हमेशा मेरे करीब रहो, और कभी मेरे से दूर जाने की अगर सोचो भी ना तो वो यार ख्याल ही तुम्हारे दिमाग में ना आए। ऐसा तो ख्याल कभी आ ही नहीं सकता, कभी भी हो ही नहीं सकता, मैं सोच ही नहीं सकती कि योगी के बिना दीक्षा हो ही नहीं सकती ना। वैसे एक बात और बोलूं यार, गोवा से जाने के बाद ना तुमने दिल्ली में इतना सारा टाइम स्पेंड करा मेरे साथ, यार मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं कर पाया। ऐसा तुम क्यों कह रहे? तुमने मेरे लिए जो किया है ना वो मैं कभी भूल भी नहीं सकती, पता है? नहीं यार, चाह के भी मैं नहीं भूल सकती वो चीजें। नहीं यार चाह कर भी मैं यही कहने वाला हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं करा, क्योंकि तुमने बहुत कुछ किया। इनफैक्ट जो मैं सोच भी नहीं सकती थी ना तुमने वो भी कर दिया। लेकिन अब फाइनली ना मैंने ये डिसाइड कर लिया है, अब मैं अपनी गोवा वाली गर्लफ्रेंड को ना इतना प्यार दूंगा ना, इतना प्यार दूंगा और इतनी जगह ट्रिप्स दूंगा कि यार तुमने सोचा भी नहीं होगा। और अब तुम चाह कर भी एक पल भी मुझसे दूर नहीं रह सकती हो। मैं वैसे भी नहीं रह सकती। और रही बात ट्रिप्स की, तो अगर तुम ट्रिप्स पे मुझे नहीं भी लेकर जाओगे ना तो भी मैं तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ। यार कर दिया ना काम करा, मतलब मेरे ट्रिप देने के ना कोई 1% का भी सरप्राइज नहीं है तुम्हारे लिए। तुम कुछ भी नहीं है फिर क्या है? तुम नहीं समझो कुछ। ऐसी कौन सी चीज जो मैं ना समझूं? मैं सब समझता हूँ। मेरे प्यार समझते हो ना? मैं प्यार समझता हूँ, उतना ही काफी है। लेकिन तुम मेरे सरप्राइज को ना ऐसे मिट्टी में मिला देती हो। नहीं बेबी, मेरे कहने का मतलब ये था, देखो सरप्राइज तो तुम देते रहते हो। हाँ। लेकिन अगर तुम सरप्राइज नहीं भी दोगे ना हाँ। तो मेरे मन में तुम्हारे लिए उतनी ही फीलिंग्स है। अच्छा लेकिन अभी तो यार सिर्फ प्यार करने का मन कर रहा है। और हाँ हम पूरी नाइट ऐसे एक दूसरे के साथ बैठे रहेंगे और फिर सुबह हो जाएगी। हाँ। और जब सुबह हो जाएगी ना हुँ? तो हम यहाँ से उठ के मॉर्निंग वॉक पे चलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो।